बात करेंगे मौसम की। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में बारिश हो सकती है, तो वहीं सागर, छतरपुर और विदिशा, इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बालाघाट और सागर की बात की जाए तो यहाँ पर बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अचानक से मौसम बदला है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी बारिश का दौर चल भी रहा है। लेकिन अलर्ट की बात की जाए तो अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि सागर, छतरपुर, विदिशा और बुरहानपुर यहां पर भी बारिश हो सकती है। बालाघाट सागर की बात की जाए तो यहां पर बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ये मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ की भी बात हम करेंगे तो एक बार आपको फिर से बता दें कि अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट में बारिश हो सकती है। तो सागर, छतरपुर, विदिशा, बुरहानपुर, खंडवा की बात की जाए तो यहां पर भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। तो सुबह से यहां पर बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के मौसम के हाल भी हम आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सुबह से बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अब मौसम विभाग के मारे तो कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों ही जगह मौसम ने करवट ली है, दोनों ही जगह मौसम का मिजाज बदला है। तो मध्य प्रदेश में भी कई जिले जहां पर आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वही छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो हाल फिलहाल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है, कई इलाके हैं जहां पर बादल छाए हुए हैं। तो चलिए मौसम की ज्यादा अपडेट बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, अभी वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कुछ कहता है कि कब तक बारिश को लेकर ऐसी स्थिति बनी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। कहीं हल्की बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश को लेकर लगातार मौसम विभाग संभावनाएं जता रहा है। और यदि राजधानी रायपुर की हम बात करें तो आज सुबह से ही जो है बादल छाए हुए हैं और मौसम में ठंडक है, साथ ही साथ हल्की बारिश भी हो रही, रिमझिम बारिश। खास बात यह है कि बारिश जो हो रही है वो खंड वर्षा के तरह से हो रही है, कहीं बारिश है कहीं पर एकदम सूखा है, इस तरीके की बारिश राजधानी रायपुर में हो रही है। यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो कल के जो है बीजापुर में सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर पानी गिरा है। बीजापुर, बस्तर एक ऐसा संभाग है जहां पर लगातार जब से मानसून शुरू हुआ है अच्छी बारिश हो रही है और वहां पर अभी भी बारिश देखने को मिल रही है। बीजापुर में बारिश हुआ और वहीं जो अन्य जिले हैं वहां पर जो है वो पानी बारिश हो रही है। खास बात यह रहेगी कि सरगुजा के सभी संभाग के सभी जिले जो है पांचों जिलों में अभी वर्षा कम आंकी गई है, 50% ही वर्षा हुई है, तो एक चिंता का विषय सरगुजा संभाग के लिए है। बेमेतरा जिले में भी ठीक यही स्थिति है, वहां पर भी 50% ही वर्षा हुई है। बाकी जो पूरा प्रदेश है वहां पर एक सामान्य से 11% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मानसून द्रोणिका के चलते जो है, मानसून द्रोणिका और एक कम निम्न दबाव का जो क्षेत्र बन रहा है उसके चलते प्रदेश में जो है वो बारिश का दौर जारी है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में ठीक यही स्थिति बनी रहेगी, मौसम में ठंडक आना शुरू हो जाएगा। जी गौरव, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहने वाला है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है कि प्रदेश के कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में?
जी बिल्कुल, देखिए यदि हम पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर तो जारी है, हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो रही है। राजधानी रायपुर में भी 1-2 दिन पहले जो है भारी बारिश हुई थी और पूरी तरीके से जलमग्न भराव की स्थिति हो गई थी। और यदि हम मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग लगातार अभी पिछले सप्ताह से मध्य छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश होने की बात कह रहा है, तेज भारी बारिश होने की बात कह रहा है। तो मध्य छत्तीसगढ़ का वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार बारिश और भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग अलर्ट जारी करते आए हैं। और आने वाले जो दिन है, जो 3-4 दिन बारिश होनी है, उसमें भी इन्हीं क्षेत्रों में जो है बारिश होने की संभावना है, भारी बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग ने कही है। जी चलिए गौरव बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कई जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है कि कब तक बारिश इसी तरीके से होती रहेगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के चलते इस तरीके से साइकिल बदली है और साथ यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इस औसतन बारिश की बात करें तो करीब 45 इंच अब तक बारिश हो चुकी है, जब तक मध्य प्रदेश में सामान्यतः 37 इंच बारिश होती है, यानी कह सकते हैं कि 8 इंच ज्यादा मध्य प्रदेश में अब कोटे से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कई जिलों में खासतौर से भारी बारिश भी हुई। हालांकि अभी तक बात करें तो बुंदेलखंड की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, बघेलखंड की बात करें, तो ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग कह रहा है कि लगातार इस तरीके से मौसम बदल रहा है, साथ यही वजह है कि लंबे अंतराल के बाद आज से फिर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। खासतौर से यदि बात करें खंडवा बुरहानपुर की बात करें, विदिशा सागर छतरपुर की बात करें, या खासतौर से अनूपपुर डिंडोरी मंडला की बात करें, तो यहां पर जो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो कह सकते हैं लगातार मौसम का जो स्तर है, कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, शायद यही वजह है कि बारिश का साइकिल भी लगातार बदलता जा रहा है। और पिछले 10 साल के अंतराल की बात करें तो सितंबर का ऐसा, तो यहाँ पर भी आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन इंतजार रहेगा कि मौसम आखिर साफ कब होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।